काफी लोग ये बात बोलते थे दोस्तों कि रुबीना अभिनव जब एक बार एक साथ नॉमिनेशन में जाएंगे तो उनका बिछड़ना तो तय है। लेकिन क्या बोलते हैं बिग बॉस, क्या बिग बॉस ने ना बोलते हुए भी दोस्तों दे दिया है करारा जवाब उन लोगों को, आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस वक्त जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बात दोस्तों है जबरदस्त। जबरदस्त इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने, बिग बॉस ने दे दिया दोस्तों राहुल वैद्य और इजाज खान को करारा जवाब। जवाब इस तरीके से कि अभिनव और रुबीना दोनों ही दोस्तों नॉमिनेशन में आए। इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही एक बात बोली, राहुल वैद्य घर से बाहर से सीख कर आए ये बात, और अंदर जाकर उन्होंने बोल दी कि रुबीना अभिनव को एक साथ नॉमिनेशन में डालना है, क्योंकि जब अभिनव जाता है नॉमिनेशन में, रुबीना नहीं जाती है, तो रुबीना के फैंस अभिनव को बचा लेते हैं। याद है आपको एलिगोनी के साथ सोफे में ये बात बोलते हुए नजर आए थे वो। अब ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मंशा थी, इन लोगों की जो अंदर की एक एक जो कह सकते हैं इच्छा थी, वो बिग बॉस ने कुचल डाली, बिग बॉस और जनता ने कुचल डाली। क्योंकि इस हफ्ते तो साफ साफ बिग बॉस ने चार लोगों को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया था, जैस्मिन, एली, रुबीना, अभिनव। अब अंदर ही अंदर बेटा मन में लड्डू फूटा, बेटा मन में डबल लड्डू फूटा, जो कि दोस्तों राहुल और एजाज के मन में चल रहा था। और एजाज ने ही ये बात बोली थी, रुबीना ने कल ही बोला कि अभिनव रुबीना में से एक तभी जाएगा जब एक साथ जो नॉमिनेशन में आएंगे। तो कहीं ना कहीं करारा जवाब मिला है दोस्तों जनता की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, और ऑडियंस ने कह दिया है कि भैया ऐसा नहीं है, तुम जिसे हल्का 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 नल्ला नल्ला बोल बोल के तुमने जो उसकी इमेज बनाई है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो हल्का है ही नहीं, वो नल्ला है ही नहीं, वो इस तरीके से आगे बढ़ता है, वो इस तरीके से जवाब दे सकता है। और ऐसा ही हुआ है दोस्तों। यस, अभिनव शुक्ला आज अपने दम पर आगे आए हैं। अभिनव शुक्ला अपने जेन्युइन बिहेवियर, अपने लॉजिकल बातों को लेकर बाहर आए हैं, जिसका अक्सर मजाक उड़ता रहा, जिसका ऑफकोर्स, क्योंकि बिग बॉस जो है लॉजिकल अगर देखा जाए तो बातों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों सलमान जी ने भी इसी बात को लेकर उनको बैश भी किया था कि अभिनव ये वैसा वाला शो नहीं है, यहाँ पे तुमको खुलना पड़ेगा। अभिनव अब जो है वो दिखाता नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों राहुल वैद्य और इजाज खान दोनों को ही कहीं ना कहीं करारा जवाब दे दिया जनता ने और दिखा दिया आईना, कैसे, अभिनव को सेव करके और जैस्मिन के इविक्शन करा के। आपको क्या है कहना है इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज़।